मैंने नहीं लिया था दूध ज़्यादा, और दूध से ही बना रही हूँ मावा, घर के दूध से ही। तो ये थोड़ा सा बन गया है। और ये कोकोनट पाउडर है जिसके मुझे लड्डू बनाने हैं, जो नारियल का बुरादा होता है वो है ये वाला। तो आधा कप घी में, और ये एक कटोरी बुरादा है, उसको अच्छी तरह से भून लेना है स्लो गैस पर, कम से कम 15 से 20 मिनट लगती है इसको भुनने में। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, हल्का हल्का रेड सा हो जाएगा, ब्राउन सा। इसमें डाली मैंने चीनी, क्योंकि हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से हमने चीनी डाली, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और एक गिलास डाला है इसमें दूध, जैसे हलवा बनाते हैं ना, पहले उसे हलवे की तरह कर लेना है बिल्कुल, और फिर ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है इसको हल्का सा। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके फिर हल्के हल्के हाथ में लेके, बहुत चिकना सा हो रहा है क्योंकि घी भी है इसमें और दूध भी है, तो इसे हल्के हल्के हाथ से दबा के लड्डू बना लेने हैं। और ये थोड़ा सा बुरादा मैंने बचा लिया था, इसके ऊपर ऐसे लगा के आप खाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है नारियल का। तो ये मेरी जन्माष्टमी की पहली रेसिपी है मिठाई की। तो पहले मैंने लड्डू बनाए नारियल के, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने घी गरम करा और थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे पाक बनाने के लिए, तो पहले मैंने काजुओं को तला, उसके बाद बादामों को, क्योंकि इनकी थोड़ी सी अभी गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा सा भून के इन्हें तल के आप किसी चीज़ में डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है खरबूजे के बीज, इनको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया घी में, अच्छा सा घी डाला था इनमें क्योंकि मुझे पाक बनानी थी। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तो मैंने अच्छा सा घी डाला इसमें, और रेड होने तक थोड़ा सा भूना है इन्हें, जब तक ये चटकने नहीं लगते, उछलने लग जाते हैं ये बहुत ज़्यादा, आवाज़ें होती है, तब तक मैं इन्हें भूनती रही, अच्छे से घी निकलने लगा है इसमें। क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है तो अपने बच्चे का बर्थडे होता है तो हम खूब सारी तैयारी करते, वैसे ही कान्हा जी का बर्थडे की भी तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने खूब सारी तैयारी करी। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई हो, हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये मैंने एक गिलास पानी लिया है चाशनी बनाने के लिए, एक गिलास पानी में एक कटोरी चीनी डालूंगी। आप जैसा मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से बना सकते हो, किसी को कम खाना है मीठा तो कम चाशनी वाली भी बना सकते हो। और इसके लिए पाक के लिए दो तार वाली चाशनी बनानी पड़ती है, तभी ये जमती है, नहीं तो जमेगी नहीं। तो ये 10 से 15 मिनट तक उबल गई चीनी और पानी, दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गए, और ये चिपकने लगी है हाथों पे, हाथ से इसे चेक कर ले फिंगरों से, अगर ये चिपकने लगे, दो तार से खींचने लगे आपकी फिंगरों पे, तो समझ जाना कि ये बन चुकी है। और ये रेडी हो गई है, इसमें मैंने सारे मेवे जो तले थे, काजू बादाम दोनों को कट कर लिया था, और जो खरबूजे के बीज थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए, अच्छी तरह से इसे कढ़ाई में मिक्स करके। और थाली पे पहले घी लगा लिया हल्के हाथ से, फिर इसको वापस से पलट दिया, और चमचे की हेल्प से इसे अच्छी तरह से जमा दें इसमें। तो ये ऐसी दिख रही है बनने के बाद। ये मेरी दूसरी रेसिपी है मिठाई की, और इसको जल्दी ही कट कर लेना, वरना ये इतनी टाइट हो जाएगी कि कट नहीं होगा इसे चाकू से, इसलिए थोड़ी सी ही नॉर्मल होने पे इसे कट कर लो चाकू से अच्छी तरह से, तो इसके फीस से निकल जाएंगे। तो ये दो रेसिपी तैयार हुई। अब मैं बनाने जा रही हूँ घिया की लौज। ये एक केजी से थोड़ा ज़्यादा है घिया, तो इसको अच्छी तरह से छील लें, और छीलने के बाद धो लें,
क्योंकि बाद में नहीं धुलता है। पहले इसे धो लें अच्छी तरह से, उसके बाद इसे कद्दूकस से कस लें। मैंने इसे कद्दूकस से कस लिया। स्वस्तिक गौतम इंतजार कर रहे हैं कब मिठाइयाँ बनेंगी, कब हमें मिलेंगी। मेरे आसपास घूम रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से निचोड़ के, जितना इसका पानी है क्योंकि कच्चा घी है, पानी बहुत सारा निकल रहा था, तो अच्छी तरह से इसे दबा दबा के निचोड़ लें और कढ़ाई में इसे गर्म होने दें। उसके बाद इसमें भी चीनी डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मेरी तीसरी रेसिपी है मिठाई की। तो ये ऐसे दिखेगी बाद में, 10 से 15 मिनट बाद ये ऐसी दिखेगी आपको। उसके बाद जो मैंने घर पे मावा बनाया है उसमें से मैंने आधा मावा, ज़्यादा था तो आधा मावा मैंने इसमें डाल दिया। बाजार का मावा इतना ब्राउन नहीं आता है, घर पे ही आप अच्छी तरह से भून सकते हो। तो मैं हर बार घर पे ही मावा बनाती हूँ, दूध मंगा लेती हूँ ज़्यादा और घर पे ही मावा बनाती हूँ। तो इस तरह से ये दिखेगी अच्छी तरह से, मावा भी मिक्स हो गया, घिया मावा सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। और मैंने थालियों में घी लगा लिया ताकि ये चुपके नहीं। और इसमें से ये ब्राउन हो गया, थोड़ा वाइटनेस के लिए मैंने थोड़ा शुगर पाउडर डाल दिया है और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से थाली में फैला लिया क्योंकि गर्म है, तो पलटे की हेल्प से ही फैला रही हूँ। तो ये दोनों थालियों में जम चुकी है, इसको भी मैंने कट कर लिया था। स्वास्थ्य का आया है पूछने कितनी देर लगेगी मम्मा मिठाई बनने में। और जो मावा बच गया था उसके मैं पेड़े बना रही हूँ शुगर पाउडर में लगा लगा के। और ये मैंने रात के लिए, कान्हा जी का बर्थडे होता है जब रात को हम भोग लगाते हैं, तो ये पंजीरी भी मैंने बनाई है आटे की। 1 कप घी है और 2 कप आटा लिया है और इसमें मिला दिया शुगर पाउडर, इलायची पाउडर और ये थोड़ी सी मेवा मैंने निकाल ली थी वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अभी जो सूखा गोला होता है उसको काट के भी डालूंगी इसमें, तुलसी के पत्ते और ये सब चीज़ें भी डालूंगी। तो ये भी मैंने तैयार करके रख दिया। जब मुट्ठी बांध के देख लेना, जब तक आपको लगता नहीं है कि कैसी बनी है, मुट्ठी से पता चल जाता है कि चीज़ कैसी बनी है। आटे और घी दोनों मिक्स हो जाते हैं तो मुट्ठी बंधने लग जाती है आटे की। मिठाइयाँ बनाई है, तो आप देख सकते हो कौन कौन सी बनाई है। ये बनाई है मैंने कोकोनट जो पाउडर आता है गोले का, गोले के पाउडर से बनाई है। ये वाले लड्डू बनाए, खीर बनाई है, ये वाली, ये बनाई है घिया की लॉज, ये वाली पाक बनाई है और मावा बच गया था, ये वाले पेड़े बनाए मावे से, मावे और बूरा के शुगर पाउडर से। इनके ऊपर शुगर पाउडर भी लगा दिया, तो ये है शुगर पाउडर वाले पेड़े। तो ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं। कान्हा जी का बर्थडे है, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको मेरी तरफ से, स्वस्तिक गौतम की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत सारी बधाई हो, सब एंजॉय करें, खूब अच्छी तरह से कान्हा जी का बर्थडे मनाएं। बाय बाय।